वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या पासबुक के ट्रांजेक्शन को देख के ये पता नहीं कर पाते हैं कि आपके बैंक में पैसा बढ़ा है या घटा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासबुक में जो आपका ट्रांजेक्शन प्रिंटेड रहता है, लिखा हुआ रहता है, उसको आप देख के कैसे पता करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ा है या आपके बैंक अकाउंट में पैसा घटा है। लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर ये पासबुक कहते किसको है। पहले पासबुक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो बात को समझिएगा, पासबुक क्या होता है, एक बुक होता है। पासबुक क्या है, आपका एक बुक है जिसमें आपका बैंक और अकाउंट होल्डर के बीच, यानी जो खाता धारक है उसके बीच जो जो ट्रांजेक्शन होता है, जिस बुक में रिकॉर्ड करके बैंक अकाउंट होल्डर को या खाता धारक को देता है, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, पासबुक। क्या बोलते हैं, पासबुक। देखिए, मैं एक प्रेजेंटेशन द्वारा आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि आखिर पासबुक किसे कहते हैं। ऐसे मान लेते हैं, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये कौन है आपका मिस्टर, ये कौन है मिस्टर सिन्हा, ये कौन है आपका मिस्टर सिन्हा, ये मिस्टर सिन्हा मान लेता हूँ, ये मैं हूँ जी। ये मिस्टर सिन्हा कौन है, मैं हूँ। और मेरा जो अकाउंट खुला हुआ है ना, मेरा जो अकाउंट खुला हुआ है वो खुला हुआ है कहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरा अकाउंट कहाँ खुला हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। क्या है मेरा अकाउंट, क्या है, ओपन है, राइट। अब क्या होगा, जो आपका मिस्टर सिन्हा और बैंक के बीच जो जो आपका क्या होगा, ट्रांजेक्शन होगा, मिस्टर सिन्हा और बैंक के बीच जो जो आपका ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन को बैंक जिस आपका बुक में रिकॉर्ड करके प्रिंट करके देगी, किसको, मिस्टर सिन्हा को, अकाउंट होल्डर को या खाता धारक को, किसी आपका बुक को हम लोग क्या बोलेंगे, पासबुक। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पासबुक। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पासबुक, राइट। तो आप समझ गए होंगे पासबुक किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, आपका जो आपका अकाउंट होल्डर होता है, कौन होता है आपका अकाउंट होल्डर जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाता धारक। तो जो अकाउंट होल्डर है और ये कौन है आपका, बैंक। तो अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच जो जो आपका क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को जिस आपका बुक में रिकॉर्ड करके आपका बैंक आपका अकाउंट होल्डर को देती है, उसी बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, पासबुक। क्या बोलते हैं, पासबुक। अब सवाल यहाँ पे उठा कि जो आपका पासबुक है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है आपका ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है आपका ट्रांजेक्शन है, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग को मैं जानता हूँ, मैं कभी कभी क्या करता हूँ, अपने बैंक के ब्रांच में जाता हूँ, वहां पे कुछ लोग आते हैं, अपना पासबुक क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, और वो समझ नहीं पाते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरा पैसा कहाँ कहाँ से आया है या कहाँ कहाँ पैसा मैंने भेजा है, यानी मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ा है घटा है, किन किन कारणों से, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और साथ में ये भी नहीं समझ पाते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा अभी जमा है। तो मैं आपको क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट अभी दे दूंगा जिसके द्वारा आप खुद ही आप पासबुक के ट्रांजेक्शन को देख के समझ जाएंगे कि आपके पासबुक में या आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा अभी जमा है या क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन किया है, किन किन ट्रांजेक्शन से पैसा बढ़ा है आपके बैंक अकाउंट में और किन किन ट्रांजेक्शन से पैसा घटा है आपके बैंक अकाउंट में, तमाम तरह का इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएगा। तो मेरे बात को ध्यान सुनिए, ये आपका पासबुक है, राइट। अब पासबुक में जहां जहां आपका डेबिट हुआ है, पासबुक में क्या हुआ है, जहां जहां आपका डेबिट हुआ है, तो समझ जाइएगा कि आपका पैसा क्या हुआ, घटा है। आपका पैसा क्या है, घटा है। मैं लिख देता हूं हिंदी में, आपका पैसा क्या हुआ होगा, घटा होगा। जहां जहां पासबुक में डेबिट हुआ है, इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्या हुआ, घटा है। और जहां जहां आपके पासबुक में क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, इसका मतलब आपके बैंक में पैसा
बढ़ा है, क्या है बढ़ा है। देखिए घटने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे कि आपने क्या किया एटीएम से क्या किया पैसा कैश के फॉर्म में विड्रॉल कर लिया, आपने किसी को चेक के द्वारा क्या किया पेमेंट किया, या बैंक क्या किया बहुत तरह का क्या करता है चार्जेस वगैरह अकाउंट होल्डर से लेता है। बैंक आज के डेट में मोबाइल बैंकिंग टेली बैंकिंग एटीएम फैसिलिटीज बहुत सारा फैसिलिटीज देता है, इसके लिए अकाउंट होल्डर से कुछ चार्ज लेता है, उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बैंक चार्ज, राइट। तो वो बैंक चार्ज वगैरह लेगा आपके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा कम जाएगा। अगर आपका बैंक है बैंक क्या किया आपने बैंक से क्या किया बैंक ड्राफ्ट बनवाया, क्या बनाया बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक ड्राफ्ट बनाया तो आपके अकाउंट से पैसा काट के क्या करेगा वो आपका क्या करेगा बैंक ड्राफ्ट क्या करेगा बना देगा। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके माध्यम से बैंक अकाउंट में पैसा क्या होता है घटता है। तो अगर डेबिट हुआ है आपके पासबुक में जहां जहां डेबिट हुआ जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीआर, क्या लिखते हैं डीआर, डेबिट या आपका डीआर हुआ है डेबिट हुआ है इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्या हुआ कम गया है। और जहां जहां क्रेडिट हुआ है जहां जहां आपका क्रेडिट हुआ है सीआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो जहां जहां क्रेडिट हुआ है इसका मतलब आपके बैंक में पैसा बढ़ गया है। याद रखिएगा ध्यान से देखिएगा पासबुक को आप खोल के ध्यान से देखिएगा कि कहां कहां आपका क्या हुआ है डेबिट, जहां जहां डेबिट होगा इसका मतलब आपके बैंक में पैसा क्या हो जाएगा कम गया, और जहां जहां आपका क्रेडिट हुआ इसका मतलब बैंक में पैसा क्या हो गया आपका बढ़ गया। तो डेबिट और क्रेडिट को आप देख के ट्रांजेक्शन में कि कहां कहां डेबिट हुआ है कहां कहां क्रेडिट हुआ है आप देख के पता कर सकते हैं कि बैंक में पैसा बढ़ा है या बैंक में पैसा घटा है, राइट। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि लोग बैलेंस को भी समझ नहीं पाते कि अभी मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, राइट। तो सबसे लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देखिएगा, आपका सबसे लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देखिएगा और वहां पर लिखा हुआ रहेगा सीआर, क्या लिखा हुआ रहेगा सीआर, कितना लिखा हुआ रहेगा 10,000, कितना लिखा हुआ रहेगा 10,000 मान लेते हैं। तो जहां जहां सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए आपके पासबुक में कौन सा है और वहां पे कौन सा वर्ड है सीआर, इसका मतलब आपके अकाउंट में या आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा भी जमा है 10,000, राइट। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपका पासबुक के ट्रांजेक्शन को देख के आप समझ गए होंगे कि किस कैसे हमको पता लगता है कि कहां कहां पैसा मेरा बढ़ा है और कहां कहां से पैसा मेरा घटा है, राइट। एक बार फिर से बोल देना चाहता हूं कि अगर आपके पासबुक में ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन में डेबिट हुआ है इसका मतलब पैसा आपके बैंक अकाउंट में कम गया है, और जहां जहां क्रेडिट हुआ है आपका बैंक में पैसा क्या हुआ बढ़ गया है, राइट। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कि इस तरह का मैं जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं, थैंक यू।